हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डाटा टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कि डाटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है, डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं और डाटा टाइप का प्रैक्टिकली प्रोग्राम सिस्टम पर देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप, इसमें सिंपल सा हम पहले डाटा टाइप की डेफिनेशन समझ लेते हैं। डाटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू डेट आर स्टोर ऑन द वेरिएबल। तो इसमें क्या बोला है, डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। सिंपल सा आप ये एग्जांपल समझे, जैसे कि हमारे पास कोई बोतल है, ओके। जैसे इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये बोतल है। अब इस बोतल का नाम मैंने क्या दे दिया, वेरिएबल। इस बोतल का नाम क्या दे दिया मैंने, वेरिएबल। अब डाटा टाइप क्या बोलता है कि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आई मीन वेरिएबल में डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करना ही डाटा टाइप कहलाता है, ठीक है। तो डाटा टाइप हमें यही स्पेसिफाई करता है कि किस तरह की वैल्यू या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ओके। अब डाटा टाइप, यहाँ पर डाटा टाइप के टाइप से देख लेते हैं हम, डाटा टाइप कितने टाइप से का होता है, ठीक है। तो डाटा टाइप टू टाइप से का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और जिसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। इसको हम प्रीडिफाइंड बोलते हैं, हम इसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रीडिफाइंड बोल सकते हैं, इसको यूजर डिफाइंड बोल सकते हैं। तो प्रीडिफाइंड क्या होता है, प्रीडिफाइंड वह रहता है जो पहले से ही डिफाइंड रहता है, ठीक है। जिसको पता रहता है कि मेरा क्या वर्क है, उसमें पता रहता है कि मेरे को कितनी वैल्यू स्टोर करना है, ओके, वह प्रीडिफाइंड होता है हमारा। और यूजर डिफाइंड वह होता है कि जो यूजर डिफाइंड करता है, जो हम यूजर है, हम खुद डिफाइंड करते हैं, उसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं। तो आइए इसको सिंपल से समझ लेते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव आई मीन प्रीडिफाइंड। तो इसमें क्या आता है, void, char, int, long, double, float। इनमें क्या होता है कि जो void रहता है, इसमें 0 byte store रहता है, ओके। इसमें I mean 0 byte store रहता है, जो char रहता है उसमें 1 byte store रहता है, और जो int रहता है उसमें 2 byte store रहता है, और जो long रहता है उसमें 8 byte, double में भी 8 byte, और float में 4 byte, ओके। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम आपको समझा पाएंगे, ओके। नॉन प्रिमिटिव की बात कर लेते हैं इसमें। तो नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, आपका अरे होता है, पॉइंटर होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, ऐसे और कई सारे टॉपिक होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे और प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपल सा इंक्लूड और एसटीडीओ ये लिख लिया मैंने सिंपल सा। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, डाटा टाइप बता रहा हूँ आपको सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक इंट नाम का डाटा टाइप बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने एक इंट नाम का डाटा टाइप बनाया, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही साइज को पता कर रहा हूँ कि एक ही साइज क्या होना चाहिए, ओके। तो सिंपल सा मैंने ये लिख लिया है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट एफ लिखूंगा, क्योंकि हमको एक ही साइज पता करना है, तो हमको आउटपुट चाहिए ए का, ओके। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ लिखा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल सा परसेंट डी। यहाँ पे परसेंट डी क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि इस ए को यहाँ पर आउटपुट ले सकू मैं, ओके। और यहाँ पे सिंपल सा कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइज फाइंड करने के लिए साइज ऑफ, ओके। तो आप जैसे साइज ऑफ लिखोगे ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। साइज लिखने के बाद में यहाँ पर किसकी साइज फाइंड कर रहे हैं, इस ए की। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ए लिखूंगा, और ब्रैकेट को क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज, यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज, और इस वाले ब्रैकेट को यहीं पर क्लोज, ओके। और यहाँ पे सिंपल सा सेमी कोलन लगा दूंगा मैं, ओके। और जिसके बाद में मैं यहाँ पर प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए गेट सी एच लिखूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और सिंपल सा मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, ओके। अब मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इसको कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइल पे जाना है, या फिर आपके कीबोर्ड से अल्ट प्लस एफ नाइन प्रेस करना है। तो सिंपल सा मैं कंपाइल पे प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा कंपाइल हो चुका है, यहाँ पर हमको जीरो एरर और वार्निंग जीरो मिली है, आई मीन सही प्रोग्राम है, ओके। तो अब क्या करना है, हमको इसको रन करना है। तो रन करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर जाना है, और रन पर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने फाइंड कर लिया है कि जो ए है हमारी, ए की वैल्यू क्या है, 2, ओके। तो इसी प्रकार हम अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर दूसरी फ्लोट टाइप की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं फ्लोट लिखूंगा, ओके। फ्लोट लिखने के बाद में मैं सिंपल सा इसको कंपाइल करूंगा, ठीक है। कंपाइल करने के लिए यहाँ सिंपल सा जाता हूँ, कंपाइल। तो यहाँ पर सिंपल सा कंपाइल करना होता है, ओके।
तो यहाँ सिंपल सा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और कंपाइल करता हूँ अल्ट प्लस एफ नाइन, तो हमारा कंपाइल हो चुका है। और इसको रन करता हूँ तो कंट्रोल प्लस एफ नाइन, तो हमारा कंट्रोल हो चुका है। देखिए दोस्तों, इसमें फ्लोट की वैल्यू हमारी 4 है पर इसमें 2 भी प्रिंट हो रहा है, तो हमारा प्रोग्राम क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो हमारा पुराना आउटपुट था, पिछला आउटपुट था, वो भी इसमें आ गया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ सिंपल सा यहाँ पे आओगे सिंपल सा, और यहाँ पे प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए एस सी आर ये लगा दोगे, ठीक है, ये सी एल आर एस सी आर, ओके। ये लगाने के बाद में हम फिर इसको करते कंपाइल एंड रन, तो कंपाइल एंड रन करता हूं मैं, तो यहाँ पर देखिए हमारी फ्लोट की वैल्यू 4 होती है, तो 4 आ गई है। अगर आपको डबल की वैल्यू चाहिए सिंपल सा, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या लिखना है, डबल लिखना है। जैसे आप डबल लिखोगे और इसको कंपाइल करोगे, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 8 आ चुकी है, ओके। अगर आप इसकी वैल्यू केयर में चाहते हो, केयर की वैल्यू क्या रहती है, 1, तो 1 आना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा करता हूँ तो 1 आ चुका है, ओके दोस्तों। अगर आप इसमें इंट की वैल्यू चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपल सा भी मैंने इंट आपको बताया था, ओके। इसी प्रकार हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ओके, मैंने आपको डाटा टाइप अच्छे से समझा दिया है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद है एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।